वक्त हमारी टीम यहाँ चानकड़ी में खड़ी है, जहाँ एक निर्मला जो बच्ची थी जिसकी मौत हो गई थी, मौत कल हुई थी, और लेकिन आज उसकी बहन जो हमारे साथ बैठी हुई है। क्या घटनाक्रम हुआ था? वो जो लड़की निर्मला थी वो थी बलदानु की थी, जहाँ शादी हुई थी चानकड़ी के अंदर, जहाँ चानकड़ी पड़ता है कठियार के अंदर, कठियार और तहसील मेहरा मंत्रे अंदर पड़ता है। लड़की थी वहाँ की जो बलदानु की शादी हुई थी, यहाँ पे शादी कहाँ पे मारा जो हुई थी कल, जो घटनाक्रम हुआ था, ये जो जिसकी घटनाक्रम हुई इनकी बहन थी, सकी बहन थी, और ये क्या कहती हैं, इनका क्या घटनाक्रम हुआ बड़ा, तो क्या आपने तो सारी कहानी हुई थी, कितने बजे डेथ हुई थी, क्या हुआ था, क्या बताया था, क्या थी, सच बताएं आप, क्योंकि ये जो थर्ड आई आप कैमरा जो है, इसके अंदर झूठ बोलने वाला कभी आज तक सुखी नहीं रह सकता है। झूठ बोलना नहीं, सच बोलना, के सच का सिवाय कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आपके पेड़ के नीचे भी बैठे हुए हम, और इस घर में इसमें जिनके मौत हुई है यहाँ ही इसी कमरे में, कैमरा में दिखाए वो उस कमरे के अंदर, इस कमरे को पुलिस ने सील कर दिया है, अभी तक FSL टीम नहीं आई है। यहाँ FSL टीम नहीं आने का कारण भी पुलिस जाए चाहे एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, फेलियर माना जाता है, क्योंकि जब तक FSL टीम नहीं आती, जहाँ FSL टीम आनी चाहिए थी, आंदर पुलिस के साथ रहती है, लेकिन FSL टीम पुलिस के साथ नहीं थी, अभी तक पुलिस ना यहाँ पे टीम FSL नहीं पहुंची है। लेकिन इनके घटनाक्रम जो कल की कहानी थी थोड़ा सा बयान करती हूं। इनको जब पहले इनकी शादी हुई थी तो एक बार कल की घटना क्या हुई थी, फिर बाद में उसको बयान करिए। कल मेरे मम्मी पापा आए थे, इनको पूछ के गए थे, तो मम्मी ने इनको बोला, कल भी इसकी सासू माँ ने कल भी सामने सामने मुंह पे बोल दिया, बोलती कि तेरा क्या मान है, एक थप्पड़ की मारनी है तू, तो उसने फिर मम्मी ने बोला उसको, तू चल, वो बोलती मैंने नहीं जाना, अभी मेरा देवर की डेथ हुई है तो अभी 6 महीने मैंने कहीं नहीं जाना है। मम्मी और घर पे भी नहीं पहुँचते हैं, तो पीछे से फोन आया था उनको, इनके चाचा सोलह ने फोन किया कि ऐसे ऐसे बात होगी, मैंने खुद उसके हस्बैंड को फोन किया, तो वो बोलता पहले बोलता है कि बेड पे पड़ी है, जब फिर से कितने बजे की बात आपको कॉल किया? मैंने उसको किया था 7:30 बजे फोन किया था मैंने उसको, मैंने 7:30 बजे आपको कैसे पता लगा, फोन क्यों किया था आपने? मुझे मेरी मम्मा ने फोन किया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उसकी डेथ हो गई, ऐसे बोल रहे हैं वो, तो मैंने बोला मैं उसको फोन करती हूँ, तो निर्मला के हस्बैंड को, बंटी को, हाँ बंटी को मैंने फोन किया, मैंने बंटी को फोन किया, बंटी को पूछा बंटी क्या हुआ, बोलता ऐसे अंदर बेड पे पड़ी थी तो हम हॉस्पिटल में लेके आए, एक नाल चल रही है उसकी, तो जब मैंने फिर से उसको वापिस फोन किया तो बोलता नहीं खत्म हो गई है, तो अंदर उधर फा लगी थी, फांसी उसने उधर ली है, तो फिर अब बोलते हैं सुबह इधर उनके बंदे बोल रहे हैं कि नहीं, पहले बोलते हैं फा लगी है, फिर बोलते हैं कि ये इसको अंदर दवाई खाई है, फिर बोलते हैं कि नहीं इसको गम हुआ है, गम किस चीज का होना था इसको, हमें भी बताया ना काम किस चीज का होना था। पहले भी घटना हुई थी क्या, पहले लड़ाई की कोई घटना हुई थी? हाँ एक बार पहले भी हुई थी इनकी, तब इनकी शादी हुई कोई साल हुआ था, तो हम आए थे इनको समझाया, इसकी जो ननंद है उन्होंने हमको इधर से इतनी बदतमीजी से निकाला था ना, इतनी बदतमीजी से कोई अपने अगर बाहर कोई कुत्ता भी आ जाए उसको भी नहीं निकालते जैसे हमें निकाला था इधर, आपको कॉम्प्रोमाइज करने आए थे, बातचीत करवाने आए थे हम, तो इन्होंने बदतमीजी से निकाला था हमारे सामने उसकी लड़की को, ऐसे पीट पीट के वो बोलती थी मर जाए मरेगी तो हमारा ये इनका क्या जाएगा, बोलती थी इसकी जो मेरी बहन की ननंद थी, तो निशु थे, निशु बोलती थी कि मरेगी तो हमारी लड़की मरेगी, इनका क्या, आपको क्या लगेगा। आपको क्या बताया उस लड़की निर्मला ने, क्या बताया आपका कि ऐसा ऐसी वो निशु क्यों करती थी, आखिर आपको आपको तो बहन थी, आपको तो डिस्क्लोज किया होगा, उसने बताया होगा? बोलती थी मुझे दोनों ज्यादा, वो बोलती थी कि मुझे सासू माँ और ननंद ने टॉर्चर करती है ज्यादा, वही टॉर्चर करती थी, अभी कोई 2 हफ्ते पहले की बात, एक तो बड़ा नॉर्मल हो गया कुछ कहा ना, रीजन बिहाइंड रीजन तो होगा, 2 हफ्ते पहले की बात है, उसने मुझे फोन करके बोला कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, मैंने उसको बोला तू घर पे चले जा, मम्मी को बोल, उसके पास किराया नहीं था जब इधर से गई, मेरी मम्मी ने उधर से छोटी बहन को भेजा, वो किराया लेके साथ में खाना भी लेके आई, तो फिर इसको इधर से लेके गई, तो सासू माँ ने क्या किया उसको अंदर फेंका, तो उसकी ननंद चाकू लेके गई, बोलती देखती हूँ तेरे पीछे वाले क्या करते हैं, बड़े खन्नी खाने तेरे पिछले, ऐसे बोलती थी। कोई कोई दहेज का भी कोई मसला था क्या? के लिए बोलती थी हमने अपनी लड़की को इतनी इतनी गाड़ियां भर के दी तो आपको क्या दिया है, आपके माइको वालों ने क्या दिया है आपको, तो हमने एक बार पहले भी उनको बोला था कि आपको अगर दहेज वाली चाहिए थी तो आपने किसी और के घर पे आना था, हम 4 बहने तो हमारा जो मेरा
क्या बोलते हैं, मेरा आपका बहुत गरीब है, पापा है वो गरीब है, लोगों के घर पे दिहाड़ी लगा के, तो हम चार लड़कियां एक लड़का उनका, उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें पाला है, पढ़ाया भी है, सब कुछ किया है, बड़ी मुश्किल से किया था। तो हमने कहा कि हम इतना दे नहीं दे सकते थे, आप हमारे क्यों उधर आए थे आप हमारे। तो फिर उन्होंने ऐसे ही उनको टॉर्चर करके, कल आप ही बताओगी अगर उसने फांसी लगी है, मैं भी बोलती हूँ फांसी लगी है, उसकी बाजू कैसे टूटी है, उसके पीछे निशान कैसे पड़े, मैं भी ये बात दिखाएंगे आप साथ साथ, वीडियो देखिएगा कि लगी है जो इनकी बात को डिस्प्ले करेंगे हम साथ साथ, देखिएगा और आप लोग खुद देखिए, दर्शक खुद देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखिए, पुलिस खुद देखेगी इसके अंदर वाकई हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं वीडियो भी दिखाती हूँ आपको जो उसको लगी है, मैंने फोटो खींची है उसको, ये देखो आप भी देख सकते हो ये। चलिए वीडियो हम डिस्प्ले भी करेंगे, ऐसे भी दिखाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, ये देखो आप भी देख रहे हो, मैं भी मानती हूँ कि फांसी लगी है, पर पिट्ठी से थोड़ी लगनी थी, गला उसका गले पे कुछ होना चाहिए था ना, उसको बाजू भी उसकी टूटी है। आपने देखा? हाँ मैंने खुद देखा। हम डिस्प्ले करेंगे वीडियो साथ साथ डिस्प्ले करेंगे, अब पुलिस मैं बोलता हूँ और जनता इसके ऊपर तय करेगी क्या है क्या गलत क्या सही। अब क्या आप आगे क्या मांग करना चाहते हो आप? इंसाफ चाहिए हमें, पुलिस पे है मुझे, हमें विश्वास कि पुलिस करेगी हमारी कार्रवाई। आयोग उसको विश्वास है? विश्वास है, करेगी हमारी कार्रवाई, वो करेंगे करेंगे कार्रवाई हमारी है, उसके पे विश्वास है। अब दो बच्चियां रहेगी, छोटी छोटी बच्चियां, वो कितने साल की है, क्या है उनका, क्या क्या साल की, एक तीन की, एक का काम्य है एक का काव्य है। वो तीन, एक कितने साल की है? एक एक साल की है, तो एक तीन साल की है। तो अब उसको क्या डिस्पोजल आगे क्या यहाँ रखेंगी कि कहाँ ले जाओगे उस बच्ची को? इधर क्यों रखना है, इधर रखना नहीं है, वो पहले उसको बोलती थी तो अच्छा। इधर पहले क्या बोलती थी वो? पहले मरने से पहले जब हम वो पहले मरने से पहले मुझे बोल रही थी कि मेरी लड़कियां ले जाना इधर, जैसे मुझे मारेंगे तो वैसे लड़कियों को भी मार देंगे, मरने से पहले बोलती थी वो, लड़कियां अपने पास ले जाना, इतनी छोड़ना इनको। अब लड़कियां ले गए, लड़कियां ले गए मेरे घर पे मम्मी और उन्हें ले। कौन पालेगा? पालेंगे मम्मी और पालेंगे, और कौन पालेगा? वो तो पहले पापा आपका बहुत गरीब है, चार हम थी तो हमें बापू ने मारा था। दोनों ने मारा था? क्यों मारा था? ऐसे कहाँ पे मारा था उनको? अंदर जाके। कैसे मारा था? मारा छोटी छाल। छोटी छाल मारा? तो और कौन था उधर? पता नहीं। तो आप घर पे थे उस टाइम? आपके सामने मारा था? नमस्कार, मेरा नाम पूजा देवी है। अब पूजा जी क्या कहेंगे, उनकी स्टोरी तो आपने साथ ही, कोई आगे पीछे तो हमने नहीं किया ना, तो हमने क्या हुआ था आपको कोई जानकारी थी, आप उस वक्त थे यहाँ पे या क्या था? मकसद ये था, तो मैं तो घर पे नहीं थी, मेरी बूजी की बहू की डेथ हुई थी, मैं तो वहाँ पे गई थी, बट मैंने सुना है कि ये तो फांसी लगी हुई थी, ठीक है। जब वो जो बोल रहे हैं इसकी बाजू टूटी है, कमर पे मारा है, मेरा भाई आज तक इस पे हाथ भी नहीं उठाया भाभी पे, ज्यादा बात हो जाए, आज तक उसने कभी भी नहीं मारा उसको। जो बोल रहे हैं कि भूखी रहती है, पैसे भी ना रहती है, उसको ये बोलो कि आपने कब दिए पैसे उसको, आज तक वो ना भूखी रही है ना कुछ। घर में इतने दाने होते हैं, गाड़ी वाला आता है तो हम बेचते हैं उसको, अगर हमें चार अगर खाती नहीं है तो हम तब भी बेचते हैं ना, हमने किसको मना किया? मनीषा के ऊपर ब्लेम लगाया उन्होंने, वो क्या है? मनीषा पे इल्जाम लगाया कि घर से हमें धक्के लगा मार, चाकू लेके आई थी एक बार, वो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी बहन है, उसने कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, ये थर्ड आवा गार्ड है, इसका कैमरा को थर्ड आवा गार्ड बोलते हैं, क्योंकि ये सच आप लोगों को, हो सकता है पुलिस को हेल्प मिले, हो सकता है उसको रिलीज करने में हेल्प मिले, हो सकता है कि उसको सजा के लिए उनकी और उनके बयान, चलो बयान तो हो चुके हैं, स्टेटमेंट इनकी हो चुकी है, पुलिस तो कार्रवाई कानूनी करेगी, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों ने सभी ने हिसाब देना है, ऊपर वाले के ऊपर देना है, हम डिफेंस किसी का गलत नहीं करना चाहिए, सच हकीकत बताओ कोई है तो। सच है तो मतलब कि जब ये बोल रहे हैं फांसी लगी है, मेरे भाई ने मारा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे भाई ने बिल्कुल भी नहीं मारा उसको, टॉर्चर भी मतलब ये बोल रहे हैं कि पीछे से उसको टॉर्चर किया, वो बिल्कुल भी नहीं है, उसको कोई भी टॉर्चर नहीं करता था ना आज तक किया है उसको, ज्यादा तो बात ये है, मेरी मम्मी ने तो उसको आज तक कुछ बोला भी नहीं है, खाने में ना कोई कमी थी ना तो पैसे में। जो बोल रहे हैं कि लड़कियां स्कूल में जाती थी, फीस नहीं दी, कौन बोलता है फीस नहीं दी, मुझे नहीं पता क्या फीस देती है, फीस देती है कि निजा नहीं, मेरा भाई कहाँ छोड़ता था पैसे कमा के, इसको ही देता था ना, कहाँ छोड़े फिर उसने, हमें भी पता चले ना, हम भी दहेज के लिए डिमांड कर, दहेज के लिए कोई डिमांड नहीं की ना, जो हमने जब शादी हुई थी हमने ये भी बोला था, जो आपका मन है दे सकते हो तो दो, नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं, जो इनका मन किया उन्होंने दिया, जो मतलब बेड नहीं दिए थे, मेरी मम्मा ने खुद इनको बेड अपने दिए, नवे बना के दिए, मतलब
अगर हमें ऐसा कुछ करना था फिर लानी क्यों थी? अगर मेरा भाई आज मार रहा है इनको, कल मारा, तो आज कम से कम 5-6 साल हो गए, शादी हो गई, पहले क्यों नहीं मारा? पहले भी मारा, बता रहे पहले भी मारा। पहले कुछ नहीं हुआ था, हमारे घर में पहले काव्या की जब बेटी हुई थी उसका नाम काव्या है, ठीक है। जब मतलब 21-22 दिन की थी, मतलब ये ले गए, बोलते इसको पानी कुछ हो गया, कोई कर गया, हम मेरे चाचू ने ये बोला कि इसको भेज दो, ये आए थे हमारे इधर, मतलब झगड़ा करके बोला अपनी लड़की को ले गए थे, हमने बोला काव्या को हमने नहीं देना है, ये ले गए जबरदस्ती। फिर मेरे चाचू ने हमारे मोहल्ले के लोग मतलब गए थे उसको लाया सर, फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा मतलब नहीं है, फिर हमने घर पे ले आ गया उसको। ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे भाई ने आज तक ना उसको थप्पड़ मारा है, ना तो कुछ बोला है उसको, ना तो खाने पीने में कमी दी है उसको। नहीं नहीं, ये आपकी जो बात है ना, ये हजम नहीं हो रही है। कोई सुखी मरता है क्या? सुखी कोई मरता, ही मरता होगा, बाकी वालों को मुझे पता नहीं, नहीं, नहीं। आज तक आप पढ़े लिखे हो, कितना पढ़े हो? 12th पास। देखो बाकी वालों को मैं कुछ बोल नहीं सकती, मेरे भाई ने उसको कुछ भी नहीं बोला है। सुखी कोई मरता आज तक देखा? सुखी मरता है कोई? मरता तो नहीं है, मेरे बोलो तो मैं नहीं मरता हूँ सुखी तो नहीं मरता, कोई भी नहीं मरता है। दुख तो होगा थोड़ा, तो नहीं है किसी को मरने का। मेरे भाई ने आज तक उसको कुछ नहीं बोला, जो बोल रहे हैं कि हम मेरे मम्मी पापा समझा के गए पीछे से, उसके भाई ने टॉर्चर किया, मेरे भाई ने बिल्कुल भी कोई टॉर्चर नहीं किया, ना उसको कोई हाथ लगाया, ठीक है। मैं अपनी भाई की गारंटी देती हूँ आज तक उसने कोई हाथ नहीं लगाया उसको। चलिए ये थी स्टोरी दोनों साइड की, दोनों ससुराल वालों की तरफ, मायकों वालों की तरफ से। अब इसमें फिर घूम फिर के बात यह आ जाती है कानून। अब कानून ने कोई और इसने किसी ने कोई देखा, कोई महिला शक्ति में से किसी ने कोई देखा हो, कोई दो शब्द बोलने चाहे उनको मरने के वो दो मिनट के लिए अफसोस करना चाहे बोल सकते हो। ठीक है, उसकी नार चल रही थी, अगर नार चल रही थी वो उसने इसलिए हॉस्पिटल लेके गई शायद बच जाए। वो मकसद बात यह कि जब फांसी लगी थी उसका जिससे लगी थी वो टूट के बैठ के ऊपर पड़ी है, जो बाजू टूटी होगी तो टूटी होगी, जो कमर पे लगी है उसकी बेड की साइड से लगी हुई है, उसको बजी हुई है, वो बेड पे गिरी थी जब हमने निकाली थी, वो बेड पे थी, उसको किसी ने नहीं किसके किसके साथ लगी थी फांसी तो इतना मुझे भी नहीं पता है, वो बेड पे थी, हमने जब देखी थी बेड पे थी, बात तो ज्यादा दिया हमने बेड पे देखी थी। ये भी तो इल्जाम लग रहे हैं आप लोगों, क्योंकि वहां से सब कुछ हटा दिया कमरे से, कमरे में कुछ नहीं है। मेरी मम्मी और भाई कमरा तो अभी पुलिस ने सील कर रखा है, अब हम वेट कर रहे थे कि हम लेकिन 4-6 घंटे टीम ने वेट किया है, सब कुछ वैसा ही है, ना कोई अंदर गया है ना कोई छेड़खानी की है, ठीक है। मेरे मम्मी और भैया दरगाह काट रहे थे, जे इन्होंने लड़कियां बाहर निकाली, जे खुद अंदर चले गई, इन्होंने लड़कियों को बाहर निकाल दिया, वो रोने लगी, मेरे भाई आए, उसने पूछा कि क्या हुआ, वो उसने कुछ भी नहीं बोला, वो चला गया अपने घर में। जब उसने थोड़ी देर बाद उसने काव्या ने देखा था बारी खुली हुई थी, उसने बोला कि मांझी मम्मा चूटे ले रही है अंदर, इस सब यही बात हुई थी जब मेरी मम्मा और भाई आए थे, वो बेड पर पड़ी थी। काव्या ने बोला किसको बोला? हाँ, मांझी को, अब मांझी अपनी दादी को। हाँ जी, वो घास काट रही थी, बोलती मांझी मम्मा ना अंदर, मतलब फांसी लगी उसको क्या पता, बोलती मम्मा चूटे ले रही है अंदर, मतलब जब हमने देखी थी वो बेड पर पड़ी थी, हमने ना उसको मारा है, जो बोल रहे हैं इसकी पीठ पे निशान पड़े हैं, ये हुआ। अगर इसके मम्मी पापा आए हमें तो पता भी नहीं, आए हैं आपने चार लोग इकट्ठे करने थे, मेरा भाई की डेथ हुई तो वो तो चला गया, अगर करने थे सभी को बिठाओ ना, चाचा को बिठाओ, चाची को बताओ, दादी दादा बाबा सब हैं, बिठाने थे सरपंच पंच सभी को लगाओ उधर, बताओ कि ये बात है, ऐसा ऐसा काम है, हम इसलिए आए हैं, मेरी बेटी ने बुलाया है, हमें तो कुछ पता भी नहीं है, बुलाए क्यों, आए क्यों, इनकी आपस में बात हुई वो चले गए, मेरे भाई दूसरे छोटे ने उसको कठार में छोड़ा, पीछे से ऐसा सा काम, ना तो किसी ने मारा है इसको, ना तो किसी ने बोला कुछ कर, ना तो कुछ काम के लिए बोला, मेरे भाई खुद अपने आप काम कर रहे थे, हमें तो पता भी नहीं, कुछ बोला अभी तक भी नहीं है, जो बोल रहे थे कि मार पिटाई हुई है, टॉर्चर किया उसको, फिर फांसी लगी है, हमने क्यों करना था टॉर्चर, अगर मारना होता तो पहले बोलती हमारी बेटियां ले जो ये मार देंगे, अगर जब छोटी थी मेरे भाई ने तब नहीं मारी, ठीक है, तब नहीं मारी, अब क्यों मारी थी, पली पोसी हो अब क्यों मारनी है, मेरी जो मम्मी है अपनी पोतियों को छोड़, झगड़ा तो हुआ होगा ना, झगड़ा तो ये तो आप झगड़ा हुआ होगा, कल कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कल का कोई झगड़ा नहीं है, ना उन्होंने मारा है ना कुछ, ठीक है। मेरी मम्मा को उनको खुद उठा के रखती थी नीचे, तो वो छोटी भी नहीं थी, ठीक है, जो आप मेरी मम्मा पे इल्जाम लगा रहे हैं ऐसे ऐसे बोलते हैं, मेरी मम्मा उनका मतलब इतना प्यार था ना, वो दोनों बेटियों को उन्होंने पाला, कोई नहीं छोड़ता था उन्होंने नीचे, वो उठा के रहती जब भी देखो उन्होंने पाला, ठीक है, 8-9 महीने वो लड़की 1 मिनट भी नहीं बैठने देती थी छोटी, मेरी मम्मा ने कभी इधर आना है, कभी हमारे घर में जाना, कभी इधर लेके आना, उसने 1 मिनट भी नहीं छोड़ी है नीचे, अगर मारनी थी तभी मार देते ना, जो कि मेरी दीदी पे इल्जाम लगाया गया उसकी टांग तोड़ी इसने अपनी मम्मा की, क्यों तोड़नी थी उसने टांग, ये तो झूठ है, उसकी बैंस ने उनकी टांग तोड़ी थी, ठीक है, जो तो हमें पता है, वो तो रिकॉर्ड में उन्होंने बोला नहीं, ये तो आप ले आ रहे हो बात लंबी खींच रहे हो, लंबी खींचने का मकसद ये है कि झूठ क्यों बोला है, सच पे चलो ना, सच्चाई पे, झूठ नहीं बोला है, जो कि तो आजकल किसी ने भी नहीं किया इसको,
जो बोल रहे हैं इसके भाई ने मारा, मेरे भाई ने कुछ नहीं बोला, बाकी वालों ने मैं कुछ नहीं बता सकती, बाकी वालों ने बोला होगा तो ना बोला होगा, पर मेरे भैया ने कुछ नहीं बोला इसको, बात ज्यादा ही है, ना तो उसको मारा है ना तो किसी ने। सके चाचे का है? मेरे ताऊ जी का है। सके ताऊ का? हाँ, वो आज तक बोलता भी नहीं, कोई बुलाए तो बोल देता है हाँ ठीक है, मतलब ज्यादा बात भी नहीं करता है वो, नहीं बोलता ही नहीं किसी के साथ बात। चलिए और भी बोल रहे हैं कौन। ये थी स्टोरी, हमारा काम था स्टोरीज को कवरेज करना, और कवरेज करना रियासी से हमारी टीम चल करके जम्मू से, यहाँ से रियासी से होते यहाँ पहुंची है। हम आए थे, पुलिस वाले खुद आए थे, वहाँ पे कोई नहीं गया था अंदर, उन्होंने जैसा था कमरा वैसा ही है, वैसा ही उन्होंने सील कर दिया, किसी ने कुछ नहीं उठाया। टाइम लगा आप लोगों के पे, वहाँ से सब हटा दिया है। वहाँ से किसी ने कुछ नहीं हटाया, मैं यहाँ ही थी, पुलिस वालों ने मेरे सामने ताला लगाया उधर की मेरी बहन है वो, कुछ मेरी कुछ तो मेरी, आप कहाँ? मैं दरहान की हूँ। हाँ हाँ जी, धराने की गल बोलो। आहो, मैं धरान दी हां ते मेरी भैन है ओ, चलो आख्या आख्या भी ओ नहीं भी आख्या, मेरी भैन है, मैं ओदे पर इल्जाम इदे ते सवाल बनदा इदे ते तू तगड़ा बिटनेस इत्थे कुत्थे ब्याह कीता ए इधर करने का मेरा घर है। कदों कीता? मेरे ते 10 साल होए ब्याह कीते दे। तुसी सारी हिस्ट्री होनी, तुसी नहीं सारी घर पहाड़ी दी ही तो पहाड़ी एक्सप्रेस आ, सच तो बोलो। कोई ऐसा कोई गल नहीं, असें नहीं कुसै ने मारे अज धोड़ी, मेरा ब्याह भी 10 साल होई है। चलो अपने अपने घर का मसला होंदा वो सानू नहीं पता है, पर जेड़ी गल तुस आखा है हटाए दा समान जां कुछ भी कीता दा, वो कुछ नहीं कीता दा, मैं आई अस नहीं आखदी, ये साडा ब्लेम नहीं है, जेड़ा वो जेड़े भी दूआ पक्ष मैं तो नहीं आ दूआ पक्ष ही आखा जो भी ब्लेम ला दा, पर वो जिल्ला कमरा सील कीता पुलिस वाले, मैं इत्थे ही मौके मेरे सामने ताला लाया, मैं उन्हें खुद आख्या कि जो बच्चे दा समान तुसे ओदे मरने बाद किन्ने चिर बाद आई लाड़ी बेड पर पेदी ही, उस लेइए चली गए थे भाई, उन्हें ये आख्या कि कनार चला दी ते अस लेइए जन्ने आ उन्हें, ते शायद कोई किश ना होई आ, मतलब बची आ बंदा, सारे दी आस उम्मीद होंदी, अगर अस घर कुत्ता भी पाल गया अस उसी भी नहीं मारने हैं, वो तो फिर इंसान है, ये भगवान भगवान हट बसना, मेरी भैन है ओ, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलती कभी भी, ये भी मेरे सोरी हैं, वो भी मेरी भैन है, सही गल है, ये असली गल है, मैं कुसे दे बारे किश नहीं बोलती, है मालिक तू ही है, जेड़ा बंदा झूठा हो उसी सजा हो, जेड़ा सच्चा हो उसी रब गया दिखो, बस सही गल आखी, सारी कुड़िया धराने कुड़िया बड़ी सही गल आखी, जेड़ा झूठा हो उसे सजा मिलेगी, सजा तो ऊपर वाला देगा ही, वो छोड़ेगा नहीं, वो महीना दो महीने के अंदर जो भी गुनाहगार होगा उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन क्योंकि ये थर्ड आवाज गार्ड कैमरा, और जहां जिस वक्त उसकी मौत हुई उस वक्त भी ऊपर भगवान देख रहा होगा, वो सब कुछ देख रहा है, उसके उसके रिकॉर्ड में सब कुछ जा चुका है, और सरकार के भी रिकॉर्ड में जा चुका, पुलिस के रिकॉर्ड में जा चुका है। अब ये रहेगी बात कि जो लोग इसको देखते हैं या प्रशासन देखता है या पुलिस जो आईओ देखता है इस रिपोर्ट को, हो सकता है कि पुलिस यहां तक ना पहुंचे, हो सकता है कि पुलिस यहां तक, जो हमने यहां पे लोगों का ये सुना, दोनों पार्टियों सुनो, हो सकता है पुलिस ना सुने, वो आईओ पंकज सर से हम निवेदन करेंगे कि आप इसको, सब बहुत विश्वास है उन आईओ के ऊपर, बहुत विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि जो गुनाहगार होगा तो सब लोग यहां पे यह भी बातचीत चल रही थी कि यहां लाश यहां जलाई जाएगी, लेकिन पंकज ने काफी कंट्रोल करके, हम लोगों ने सभी ने मिल करके उनको समझाया, वो मान गए, जो उनके लड़की के मायके वाले थे वो मान गए, और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्टेड कर दिया कि पुलिस के ऊपर हमें विश्वास है। तो जो आईओ है बहुत डायरेक्ट एंट्री का है, वो बहुत टैलेंटेड भी है और अच्छा है, उन्हें हमने देख रहे थे जब वो स्टेटमेंट लिख रहे थे, उन्होंने एक शब्द को भी, ऑलमोस्ट करते हैं लोग लिखने लगते हैं तो गलती होती है मिस्टेक, लेकिन उन्होंने एक शब्द को गलती नहीं किया, जो उन्होंने बोला हमने उसकी भी रिकॉर्डिंग किया है और उसकी भी रिकॉर्डिंग, नहीं तो वैसे आम में पुलिस रिकॉर्डिंग करने देती है ना स्टेटमेंट देती है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, उन्होंने सब कुछ दिया है। तो मेरा लगता है कि इन लोगों से, सभी दोनों पार्टियों से हम निवेदन करेंगे, ये जो दोनों पार्टियां बैठी हुई है इनसे निवेदन करेंगे कि पुलिस पर ट्रस्ट रखें और पुलिस बहुत जल्दी फैसला कर देगी, और बहुत जल्दी, अभी मुझे दी इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।